साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, फाइनल ये है रूट ट्यूब्स पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नंबर वन एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिनके बारे में अगर मैं दिन भर बोलूं तो भी कम है, इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि फाइनल मैं रूट ट्यूब को दिल से मानता हूँ, मैं दिल से करता हूँ रूट ट्यूब्स। ये मेरा बिजनेस नहीं, मेरा जीवन है, ये बिजनेस नहीं मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैंने एक चीज को पढ़ा है, संघर्ष जीवन है, लेकिन जीवन में संघर्ष है। सत्य है कि संघर्ष जीवन है, जीवन में संघर्ष है, जब तक ये जीवन है तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष से हम पीछे नहीं भाग सकते हैं, संघर्ष से हम कभी नाता नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हम संघर्ष से अपने जीवन को अलग कर दें तो फिर जीवन का अस्तित्व तो नहीं बचेगा। और ये मेहनत हमारे जीवन में कूट कूट के भरा, हम एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं साथियों, जहाँ पे कभी 1000 रुपये कमाने के लिए हम दर दर की ठोकरें खाते थे, कभी कभी सोचते थे कि रोज का 500 रुपये कैसे बनेगा, रोज का 100 रुपये कैसे बनेंगे, रोज के 200 रुपये कैसे बनेंगे। एक ऐसा परिवार जहाँ पे हर चीज की कॉम्प्रोमाइज होती थी, हर जगह पे ठोकरें खाते थे, हर जगह पे ठोकरें, पैसे की किल्लत, वो जिंदगी मैंने देखा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लोता एक चमत्कारी सिस्टम जो आज हमारे बीच में है, रूट व्यू। क्यों चमत्कारी कह रहा हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चमत्कारी इनके प्रोडक्ट्स हैं, चमत्कारी इनके प्रोडक्ट्स हैं, लाजवाब इनके प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का वो जो फीडबैक मुझे मार्केट में आ रहा ना, वो जबरदस्त है, काबिले तारीफ है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा रूट व्यू के फाउंडर्स सुबोध सर और डायरेक्टर्स प्रवीण सर और संजय सर को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। सर आपने जो प्रोडक्ट्स बनाया ना, आपने जो प्रोडक्ट्स बनवाए हैं वो जबरदस्त, मतलब पूरी धूम मचाया हुआ मार्केट के अंदर। किस प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट्स को ले लीजिए ना, गुड मॉर्निंग से लेकर एक ब्रेस्ट को ले लीजिए, गुड नाइट से लेकर के आप इसके टोटल चीज, या डिनर सेट हो, या मसाला हो, या सूट लेंथ हो, या ट्राउजर हो, जिस भी प्रोडक्ट की बात करें प्योरिटी से भरपूर है, शुद्धता पे आधारित, और जरा सा भी कोई कंप्लेन अगर आ जाए कंपनी तुरंत चेंज करती है बनाने के ऊपर। कंपनी ठोक बजा के काम कर रही कि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट को गलत साबित कर दे, तो ये दृढ़ निश्चय के साथ काम हो रहा है। दोस्तों असल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री केवल प्रोडक्ट ही आधारित है और लोगों के जरूरत के आधारित है, मतलब लोगों है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से ना दे सके, उनके घर की जरूरत की सारी चीजें आज कंपनी के पास सारे प्रोडक्ट उपलब्ध होते जा रहे हैं और आगे दिन में जो भी प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी उनको भी कंपनी पूरा करेगी। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को यहाँ आकर के अपने सपने को साकार करना संभव है, आसानी से संभव है, आसानी से ये सफर की शुरुआत आप कर सकते हैं, आसानी से ये सफर में आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो सपना आप देखते हैं लोगों को रईस बनते, एक जिंदगी का आधार है। हम दो तरह से इसको हम आपको बताना चाहेंगे कि गरीब इंसान और अमीर इंसान दोनों के जिंदगी में 24 घंटे हैं, गरीब के पास भी 24 घंटे हैं, अमीर के पास भी 24 घंटे हैं। गरीब इस बात से गरीब है, मौका मिलने के बाद वो चुप जाते हैं अपनी जिंदगी में और वो मुसीबत को केवल बहाना बनाकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। और अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि वो निरंतर प्रयास करते हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं, वो कंटिन्यू वर्क करते हैं। और गरीब हमेशा बस इस बात से गरीब है क्योंकि वो हमेशा अपने आप को ब्लेम ना डाल करके अपने लोगों को ब्लेम डालने में सुबह से शाम बिता देते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं गरीब खानदान में पैदा लिया हूँ, मेरी जिंदगी बेकार हो रही है, इस बात के लिए वो गरीब है। सच में हम 15 साल पहले गरीबी लाइफ को जी रहे थे, हम भी गरीब परिवार का एक संतान है, इकलौता बेटा हूं मैं, लेकिन वो गरीबी लाइफ मैंने अपने आंखों से देखा, अपने पिताजी को देखा है, अपने आसपास के पड़ोसी मैंने भाई रिश्तेदार को भी देखा है, ये कहते हुए कि बड़े सपने मत देखो कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये मनगढ़ंत बातें हैं जो लोगों ने दिमाग में कूट कूट के भर लिया है। उनको लगता है कि ये गरीबी अमीर में बदल नहीं सकते। मैं दावे के साथ करता हूँ अमीरी में बदल सकते हैं आप, अमीरी में बदल सकते हैं अपनी गरीबी को, या तो फिर पूरी जिंदगी गरीबी गरीबी करके जी सकते हैं। दोनों चीजें हमारे पास है, या तो मौका या तो मुसीबत। अपने आप को किस रूप में हम देख पाते हैं, या तो मौका में या तो मुसीबत में, ये तय करना पड़ता है साथियों। आज यहाँ पे हम सभी एग्जीक्यूटिव एंड अबव हमारी इस बात को सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक से सुनेंगे
हमें ना सफलता चाहिए तो हमें संघर्ष से जूझना पड़ेगा। बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता। संघर्ष को अगर आप चाहेंगे कि संघर्ष को ऐसे मतलब जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ पागलपन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जिंदगी में परिश्रम के सिवा कुछ नहीं है। संघर्ष से आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी, और संघर्ष समय के साथ परिवर्तन होता है। निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति जो कंटिन्यू वर्क करता है, जो लगातार परिश्रम करता है, ऐसा नहीं संघर्ष का मतलब ये नहीं हुआ कि आज 4 घंटा मेहनत कर दिए तो कल नहीं करेंगे। संघर्ष का मतलब ये नहीं हुआ कि आज 14 घंटे मेहनत किए तो फिर कल नहीं करेंगे। संघर्ष का मतलब होता है लगातार प्रयास। आप 4 घंटा ही मेहनत करें पर कंटिन्यू करें, आप 2 घंटा मेहनत करें पर लगातार करें, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कुछ भी प्लानिंग हो आपके घर का, लेकिन जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू वर्क करना ही संघर्ष है। संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि बस एक बार सफलता थोड़ी सी मिल गई तो रुक जाना। संघर्ष का मतलब होता है लगातार हमें उस गोल को अचीव करना है, जो छोटी छोटी गोल है वो लगातार लाना। संघर्ष का मतलब होता है दुनिया को जवाब देना। संघर्ष से आप दुनिया को जवाब दे सकते हैं, लेकिन संघर्ष के समय आप अकेला होते हैं, ये बात तो तय है। क्योंकि जब हमने इस बात जब हमें इस सोच में परिवर्तन किया अपने आप में, पहले मैंने मन को शांत किया कि मुझे गरीबी में नहीं जीना, पहले खुद से वादा किया कि मुझे गरीबी में नहीं जीना। याद रखेंगे मैं ढूंढने चला था लोगों को कि कोई तो मिलेगा जो हमारा साथ देगा और हम उसको लेकर के इस बिजनेस में कामयाब होंगे, क्योंकि बिजनेस बनता है मेन पावर की वजह से। हम मेन पावर ढूंढने के लिए चले थे, लेकिन मेन पावर ढूंढने के साथ साथ मुझे ये चीज की अकल आ गई कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। और शीशे में अपनी छवि देखा और तब पता चला कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो स्वयं मैं ही हूँ। लोगों को ढूंढना तो बात की बात है, पहले खुद को ढूंढ लेना बहुत जरूरी है। और मैं अपने आप को ढूंढा तो देखा कि मुझमें सारी वो चीजें छुपी हुई है जिसको बाहर कर सकते हैं, जिसको जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, जिसकी बात मैं सुन सकता हूँ, जिसकी बात मैं मान लूं, जो कह दे वो कर लूं, तो 100% हम सफल हो सकते हैं। तो खुद की बात को मानने के लिए मैं तैयार हो गया, खुद की आवाज को सुनने के लिए मैं तैयार हो गया, खुद के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मैं तैयार हो गया, इन्होंने जैसा बोला मैंने वैसा करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि आप हमारे जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए हमसे बड़ा, हमसे ज्यादा बेहतर हमारे बारे में कोई नहीं सोच सके। और ये सिर्फ शीशे में देखने के बाद पता चला कि मैं अपनी जिंदगी में अगर बदलाव चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे अपने आप को, अपने छवि, अपने आईने में देखना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मैं इस गरीब परिवार में जन्म क्यों लिया हूं, इस गरीब परिवार को अमीरी में बदलने के लिए मुझे मेरा क्या कर्तव्य है, मैं इसलिए इस बिजनेस के अंदर में आया हूं। मेरा बिजनेस में आना आज रूट प्योर्स मतलब बोलो तो अलाउद्दीन का चिराग मिल गया साथी। वो ऐसा व्यक्ति नहीं जो सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करेगा और अपने घर फैमिली में खुशहाल जीवन को नहीं दे सकते। 100% खुशहाल जीवन को आप दे सकते हैं अपने फैमिली को, अपने परिवार को बहुत ही खुशहाल जीवन दे सकते हैं। बस ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर सफल होना है तो पहला आप इस चीज को एहसास करें कि सफलता के लिए कर्मठ बनना पड़ेगा, कर्मठ बनना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सफल चाहिए, सफलता चाहिए इस बिजनेस में, आपको सक्सेस चाहिए, अपने छोटे बड़े सपने को पूरा करना है, तो उसके लिए पहले खुद को पहचानना पड़ेगा। खुद को पहचान लेंगे ना तो फिर दुनिया को जवाब दे सकते हैं आप। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे ना तब तक दुनिया को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक खुद को पहचानने वाला व्यक्ति हीरा कहलाता है। ये बात मुझे तब साबित हुआ जब 15-20 साल हम ठोकरे खा रहे थे, पिताजी बहुत गरीबी जिंदगी से जूझ रहे थे और मैं पिताजी के साथ था, और मैं हमेशा कहता था घबराइए मत, ये दिन भी एक दिन गुजर जाएगा और एक अच्छे दिन हमारे साथ आने वाले हैं, और जब मेरा दिन आएगा ना तो मैं अपने आप को बदलूंगा। और बदलने का ये प्रयास किया और मेरी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज जो आया वो रूट प्योर की वजह से। विश्वास के साथ मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया डे वन, और रात दिन संघर्ष करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम आराम नहीं पसंद करते, जो आराम तो हमेशा मिलने के लिए तैयार होता है। आज बहुत सारी टीम है, बड़ी टीम बन चुकी है, आज टीम होने के बावजूद भी आराम मिल सकता है। अगर मैं 1 हफ्ते ना काम करूं तब भी हमारी टीम चल रही है, काम कर रही है, लेकिन नहीं, अगर वो आदत बना लेंगे तो मेरी जिंदगी को कुर्बान कर सकता है, क्योंकि आदत ही हमें बदलता है और आदत ही हमें बर्बाद करता है।
एक अच्छी आदत बनाने में बहुत टाइम लगते हैं और एक बुरी आदत अपनाने में कुछ भी पल नहीं लगता। एक अच्छे डिसीजन लेने में बहुत समय लगते हैं और एक बुरे डिसीजन लेने में कोई समय नहीं लगता। और एक अच्छी आदत से ही लोग अच्छे परिवर्तन होते हैं। मैं इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया हूँ तो डे वन मेहनत, और मेहनत से मतलब कभी भी जीने छुड़ाता, आलसपन मेरे अंदर नहीं है। अगर मेरे सीने में दम है, अगर मेरे जिगर में दम है कि मुझे कुछ करना है, इस बिजनेस में कामयाब होना है, ग्रेड से कर लिया कि मुझे एक्सक्लूसिव से सिल्वर बनना है, मुझे सिल्वर से गोल्ड बनना है, मुझे गोल्ड से पर्ल बनना है, पर्ल से मुझे रॉयल गोल्ड से पर्ल बनना है, गोल्ड से रॉयल गोल्ड बनना है, पर्ल से टोपाज बनना है, टोपाज से एमरल्ड बनना है, एमरल्ड से रूबी बनना है, तो एक काम तो करना पड़ेगा, संघर्ष। और संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। बिना मैदान में उतरे हुए कोई भी इंसान खिलाड़ी नहीं बनता। मैदान में उतरना ही पड़ेगा, तब ये जिम को जीत सकते हैं, तब जाकर अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, तब जाके आप आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। क्योंकि आज हमारे पास इस बिजनेस को करने के लिए जो औजार है, जो मिसाल है हमारे पास, वो प्रोडक्ट है। आज हमारे पास बड़ी बड़ी प्रोडक्ट है जिससे हम फील्ड में जाकर के फट सकते हैं, जब फील्ड में जाकर के हम दुनिया से बात कर सकते हैं। अब हम लोगों से सवाल कर सकते हैं कि आज हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप कंपनी के अंदर रूट फ्लोर में हूँ और सबसे टॉप प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूँ। प्रोडक्ट की क्वालिटी में नंबर वन क्वालिटी, आज हमारी क्वालिटी को दुनिया वाच करता है। दूसरी दूसरी कंपनियों वाले मैं अगर बात करूं तो दूसरी कंपनी आज हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के अपनी कंपनियों में सेल करता है। मैं क्या बता दूं, लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं कोई और कंपनी में और स्टॉकिस्ट में आकर के ले जाते हैं रूट फ्लोर के स्टॉकिस्ट से प्रोडक्ट की, लाइए ना मेरे प्रोडक्ट, ये ऐसा प्रोडक्ट मेरी कंपनी में नहीं है। आज ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं क्या बोलूं, मेडिकल्स आपको बहुत सारा मेडिकल स्टॉक्स में ये प्रोडक्ट्स वो लोग अपने ऑनलाइन यहाँ से परचेज किए अपनी आईडी से और अपने मेडिकल स्टॉक्स में रखते हैं और वो दिखा रहे हैं दुनिया को रूट प्योर के प्रोडक्ट दमदार है। तो हम वास्तव में रूट प्योर जो है ना वो प्योरिटी पे निर्भर है। जब ये हमारे प्रोडक्ट में इतनी दम है तो हमें रुकना क्यों, और अगर हम रुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा नहीं है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर संघर्ष करने की जज्बा नहीं है, हमारे अंदर खुद को पहचानने की काबिलियत नहीं है। हमें आदत बन गई है आराम करने की। ये लॉकडाउन जब से हुआ ना तब से लोग कंफर्ट जोन में रहना शुरू कर लिए, जब से लॉकडाउन हुआ तब से लोग आराम पसंद कर लिए, संघर्ष छोड़ दिए हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि खिलाड़ी वही है, वही जंगल के शेर है हम लोग जो कभी तूफान मचाया करते थे, कभी तूफान मचा कर लोगों को दिखा देते थे कि आज हम लोग कौन है। और वही शेर एक बार आराम कर लिया ना तो कंफर्ट जोन में चले गए। सिर्फ आराम पसंद करने से विजय हासिल नहीं होगी, निकलना पड़ेगा फील्ड में और दिखाना पड़ेगा तूफान मचाकर दुनिया को। अपना पहचान खुद तैयार करना पड़ेगा, अपना पहचान खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लोगों के घर तक पहुंचने के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके माध्यम से किसी भी घर में बैठ करके, चाहे वो किसी भी रईस का घर हो या गरीब का घर हो या मिडिल क्लास का घर हो या किसी मंत्री का घर हो, हम किसी भी घर में जाकर के अपने प्रोडक्ट्स के बारे में टंके के चोट में दुनिया को बता सकते हैं और कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप कंपनी, ये कम टाइम के अंदर डेवलपमेंट करने वाली कंपनी जिसके पास आज जो प्रोडक्ट है वो अनमोल है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो चैलेंज के साथ आपको दे रही है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी गुणवत्ता की व्याख्यान अगर करने लगे तो दिन भर लग जाएगा। क्या नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स में, इतनी अति शक्तिशाली प्रोडक्ट हमारे पास है। उसके बाद भी हम कंफर्ट जोन पसंद कर लिए, आराम पसंद कर लिए। साथियों आराम ना करें, अपने लाइफ में करीब 5 साल इस बिजनेस को दिल से दे दें। आज मैं दिल से भी काम करता हूँ, बहुत मोहब्बत के साथ इस बिजनेस को करता हूँ। मैं जानता हूँ अगर आज 5 साल 6 साल 10 साल जो हमारे पास आयु बचा हुआ है, जो हमारे पास असली टाइम बचा हुआ है, अगर इस समय का हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो समय हमको छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय किसी को नहीं पहचानता, कौन क्या है, राजा है या रंक है, फकीर है या गरीब है, समय अनमोल है, समय परिवर्तनशील है। और जो समय के हिसाब से काम करेगा वही इस बिजनेस में कामयाब लीडर बनेगा, कामयाब योद्धा बनेगा और कामयाब फाइटर बनेगा। मुकाबला तो ये जानना पड़ेगा, समय को बर्बाद न करना। 24 घंटे में कोई रईस बनता है तो 24 घंटे के अंदर कोई गरीब बनता है। गरीब बनने का पहला कारण होता है उसके भीतर में आलसीपन है, उसकी संगत अच्छे लोगों के साथ नहीं है, वो हमेशा सकारात्मक बातें सोचता नहीं है, वो हमेशा नेगेटिव बातें सोचते रहता है। वो दुनिया को देखता है ऊपर उठते हुए लेकिन अपने आप को सोचता है काश इतना बड़ा आदमी हम भी बन जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, कितनी मेहनत किया, उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता।
उन्होंने किसकी उन्होंने किस चीज की कीमत चुकाया, वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया तो देख रहा है कि आज आनंद तिवारी जी 25 लाख रुपए कमाया, अजीत चौधरी ने करोड़ों रुपए कमाया और लोगों ने बहुत पैसे कमाए और लोगों ने कमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उस दिन जब साइकिल से स्टार्ट किया था बिजनेस उस दिन कहां थे दुनिया वाले, कौन देख रहा था। इस साइकिल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सफर को मैंने शुरुआत किया और उतनी संघर्ष जो संघर्ष आज से कुछ साल पहले था मेरा वही संघर्ष आज भी है। कंटिन्यू हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का कोई दिन नहीं होता है जब मैं इस बिजनेस में फील्ड में नहीं होता हूँ। यकीनन दोस्तों बहुत कंफर्ट जोन में आराम कर रहा है लोग, कुछ लोगों के अंदर में एक टाइम के बाद क्या आ जाता है कि मैं सब जान गया हूँ, अरे कभी भी शुरुआत कर लेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कभी। आप सब जानते हैं यही सबसे बड़ी भूल है और आप यही सोच रहे हैं कि कभी भी शुरुआत कर लेंगे, यही सबसे बड़ी गलती है। आपकी शुरुआत लगातार होनी चाहिए, सफलता 100% आप सफल होंगे। आपको लगातार नए नए तरीके अपनाना पड़ेगा, आप खुद अपनी टीम के लिए मीटिंग कैसा तय करेंगे, आप कितने लोगों को प्लानर बनाएंगे। मैं जब इस बिजनेस को शुरुआत किया तो दृढ़ निश्चय पहले किया, मैंने संकल्प लिया कि मुझे करना है। एक अच्छे विचारधारा के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया, पॉजिटिव माइंड के साथ मैंने बिजनेस को शुरुआत किया। भले मिट्टी के घर में रहते थे लेकिन सोच हमेशा छोटी नहीं होती, हमेशा बड़ी सोच में जीने की आदत हो गई। सपने अनमोल थे, बड़े बड़े हमेशा घर फैमिली में बात करते थे, बड़े बड़े सपनों को लेकर के, भले जेब में पैसा नहीं होता था पर सपने हमेशा बड़े देखते थे। और आगे जब निकला तो मुझे समझ में आया कि लोगों से मिलना है मुझे, और लोगों से मिलना है और ये बिजनेस लोगों को देना है, तो लोगों को देना है तो उसका देने का माध्यम है प्रोडक्ट, लेकिन देने के बाद उस लोगों को बनाना पड़ेगा। तो अपने जैसे लोगों को बनाना शुरू कर दिया, मतलब अपना कॉपी मैंने करना शुरू कर दिया। और जब अपना कॉपी मैंने शुरू कर दिया तो जो व्यक्ति सामने आया उसको कॉपी किया मैं, मैंने अपना कॉपी बनाया, उसको प्लान सिखाना, फॉलोअप करना सिखाना, सेल्स निकालना, उसको उसके रोड मैप तैयार करना, रोड प्लान तैयार करना, उसकी ड्रीम सेट करना, उससे किसी से बात करने के तरीके सिखाना कि टाइम कितने समय तक देना चाहिए, ये पूरी तरह से मैंने उसको सिखाया। यही कॉपी करता चला गया जिससे कम समय के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई, जिससे कम समय के अंदर एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अचानक टू व्हीलर में आता है, टू व्हीलर से फिर फोर व्हीलर में आता है, एक घर के बाद दूसरे घर भी बना लेता है। सिर्फ सिस्टम को मैंने फॉलो किया, मैंने विदाउट सिस्टम कभी भी नहीं चला। इतने अच्छे प्रोग्रामिंग है, इतने अच्छे मतलब ट्रैक हम लोग के पास है रूट प्योर, और रूट प्योर अपने मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं करी है। रूट प्योर बैक टू बैक देखते होंगे आप, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लाते जा रही है, एक से प्रोडक्ट लोगों की डिमांड की प्रोडक्ट लाते जा रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, अपनी वास्तविक शक्ति को भूल चुके हैं, हनुमान की वो पावर को भूल चुके हैं, वो पावर को भूल चुके कि कभी प्लेट कभी हम लोग बाइक चला करके हम लोग 100-200 किलोमीटर में जाकर अपने ग्रुप को तैयार करते थे, लोगों को प्लानर बनाते थे, लोगों को मेहनती होने के लिए सिखाते थे, लोगों को संघर्ष करने के लिए सिखाते थे, लोगों को दिखाते थे कि अगले 5 साल अगर इसमें डट के मुकाबला कर दिया तो आपकी जिंदगी परिवर्तन होगा। कमाई तो असली में यहाँ पे डे वन से है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कमाई असली में 5 साल के बाद है। असली में डायरेक्ट सेलिंग की कमाई तो डे वन है, जैसे आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के साथ आपका चेक बन जाता है, लेकिन असली में डायरेक्ट सेलिंग की कमाई 5 साल के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि ये प्योर बिजनेस है, ये कोई दुकान नहीं है साथियों, ये कोई एक दिन का मजदूरी करने का वर्क नहीं है। अगर आपका ड्रीम में दम है, अगर आपके सपनों में दम है, अगर वाकई में आप लंबी उड़ान भरना चाहते हैं तो इस बिजनेस को लगातार 5 साल बिना आगे बिना पीछे देखे करना है, बिना सोचे किसी से बातें किए करना है लगातार, क्योंकि ये जिंदगी अपना है, ये जिंदगी अपना है, सपने अपना है, गरीबी अपना है, तो उसको 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 पूरा कौन करेगा, इस गरीबी को गरीबी से मुक्ति कौन देगा। इस गरीबी से मुक्ति आपको नहीं मिल सकती तब तक जब तक आपका संघर्ष करने का जज्बा नहीं होगा, तब तक आलस्यपन करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं काफी लोगों को देखता हूँ एक टाइम के बाद लेवल लेने के बाद आलस्य में आ जाते हैं और एक महीने के अंदर एक दिन भी घर से नहीं निकलते। मैं काफी लोगों को वाच करता हूँ कि क्या बताइए, अगर आपके अकाउंट में 5 रुपये भी आए हैं रूट ब्योर से तो किस बात का वो पैसा हमें खाने का हक बनता है। अगर आपके अकाउंट में 2000 रुपये भी आते हैं रूट ब्योर के माध्यम से, टीम के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आपको वो संघर्ष अपनी टीम में देना चाहिए, अपने लोगों में देना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। उससे मान सम्मान मिलता है, उससे इज्जत मिलते हैं, घर में रहने से इज्जत नहीं मिलता। घर में रहने वाला व्यक्ति का इज्जत तो अपनी फैमिली भी नहीं कर सकता, ज्यादा टाइम तक अगर आप घर में रह जाओगे ना तो अपने परिवार भी आपको इज्जत देने के लिए छोड़ देगा। ये तो फील्ड है माय डियर फ्रेंड्स, हम
पूछते हैं हमारा 5,000 का ही चेक बनता है, हमारा 2,000 का भी चेक बनता है सर, हमारा 500 रुपए का भी चेक बनता है, तो क्या कम है, क्या कम है, कौन सी मेहनत लगी हमारा। अगर एक बार टीम बना लेते हैं तो लगातार पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है उन टीम के पीछे लगातार परिश्रम करना, उन टीम में जाकर लोगों को बताना मैं तो सक्सेसफुल हो रहा हूँ, लेकिन लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं उसको जरूर देखना, काम करता है वो बताना। अगर लोगों को हम एजुकेट नहीं करेंगे, लोगों को हम शिद्दत के साथ सिखाएंगे नहीं, तो फिर आने वाला दिन में क्या काटेंगे, क्योंकि जो आप बोएंगे वही काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आप आज आराम करने की आदत लगा लिए हैं तो एक दिन आप वही काटेंगे, आपके साथ काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर आप संघर्ष करने के लिए सोच रहे हैं तो अगले 6 साल के बाद 5 साल के बाद आपके पास संघर्ष करने वालों की लाइन लग जाएगी, बिल्कुल लड़ियां लग जाएगी, आपके पीछे कारवा खड़ा होगा, लेकिन संघर्ष में आपको अकेला चलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को सुनाना नहीं पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को सुनाना नहीं पड़ेगा कभी भी नहीं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज रूट फ्योर के अंदर कभी भी अपने डाउनलाइन को अपना कमजोरी नहीं सुनाया, क्या चीज की कमी हमें है, कहा क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, क्या फैमिली में प्रॉब्लम है, नहीं, फैमिली मैटर अपना मैटर है, फैमिली मैटर को हम डाउनलाइन के बीच में ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि हमने कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को डाउनलाइन में शेयर नहीं किया, कभी नहीं करना, खुद को, मैंने बोला ना खुद को सवाल जवाब करना है, क्योंकि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आप खुद हैं, और आप अगर खुद को पहचान लेंगे ना तो फिर आप विश्व सफल हो सकते हैं, और इसके लिए हमें लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, लगातार घर को छोड़ना पड़ेगा। यदि आप रूट प्योर में फुल टाइमर हैं तो फुल टाइमर का कोई भी फुल टाइमर होने का मतलब आप घर में आराम कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। फुल टाइमर का मतलब ये नहीं होता कि आप फुल टाइमर हैं और कहीं शादी में चले गए 2 महीने के लिए तो फुल टाइमर नहीं है। फुल टाइमर का मतलब होता है आपको अपना समय फील्ड में देना है, लोगों के बीच में देना है, लोगों की मीटिंग में देना है, लोगों की ट्रेनिंग में देना है, लोगों से बातचीत करना है, क्योंकि जिसके ऊपर आपका भविष्य बनने वाला है, अगर हम वहां पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका अपना भविष्य, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। इसमें आप याद रखेंगे, इसमें कोई भी कंपनी का कोई कसूर नहीं, कंपनी अपने हिसाब से काम कर रही है, हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, हम जो वास्तव में पुरानी शक्ति को, जिस शक्ति का हम उपयोग करते थे वो शक्ति को भूल चुके हैं। एक टाइम में इतना स्पीड हो गए थे हम लोग, एक टाइम में इतना स्पीड हो गए थे, उसके अनुसार तो पैसा कमा लिया, जितना आपने मेहनत किया उसके अनुसार पैसा मिला। अगर आपको लाइफ लॉन्ग टाइम तक मेहनत करना है तो अभी लॉन्ग टाइम के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, आराम करने का टाइम अब नहीं है। लॉकडाउन अगर बोले तो कोविड के समय 3 साल चला गया, अपना जिंदगी का 3 साल चला गया, रूटियों को आज स्टार्ट हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज ये बताना जरूरी है क्या हमने दिल से रूटियों के साथ 1 महीने भी काम किया, क्या हमने दिल से रूटियों को 30 दिन समय दिए, क्या हमने रूट प्योर को 2 महीने भी दिल से समय दिए, क्या हमने रोज रूट प्योर को 10-12 घंटे रोज मेहनत किए रूट प्योर के अंदर, नहीं किए तो फिर कैसे सोच लेते हैं कि हमें लाखों करोड़ रुपया रूट प्योर से आएगा। लाखों करोड़ रुपया उसी व्यक्ति के पास आएगा ना तो रूट प्योर को डे वन स्टार्ट करेगा, घर में नहीं रहेगा, आराम नहीं करेगा, 12 से 13-14 घंटे मेहनत करेगा। और जो बंदा इस बिजनेस के अंदर में 6 साल मेहनत कर दिया, उसके 6 साल के अंदर अपना अकाउंट का बैलेंस देख लेना, इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद उसके पूरे खानदान के अंदर में उतना पैसा कमाने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको अभी से कर्मठ बनना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आपको जानबूझ के टीम में फोन करना पड़ेगा कि मैं आपकी मीटिंग के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं, आप सेमिनार रखो मैं ट्रेनिंग में आ रहा हूं, आप ग्रुप मीटिंग करो मैं आ रहा हूं, आप दो लोग बैठो मैं आपको प्लान करने सिखाने के लिए आ रहा हूं। अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, बिजी। यदि आप फुल टाइमर है तो अपने आप को बिजी रखें, और यदि आप पार्ट टाइमर है साथियों तो आप 4 घंटे कितना मेहनत करते हैं तो करें, 4 घंटे के अंदर में आप खुद ही प्लान फॉलो अप करने के लिए सीखें। रूट प्योर आपको देने के लिए, रूट प्योर देने की नियत से बनी, रूट प्योर की मैनेजमेंट देने की नियत से बनी, घूमने फिरने की आजादी, मौज मस्ती, ये सब क्या लगता है नौकरी वाले कोई करते हैं क्या? क्या बाहर की दुनिया में कोई दुकानदार जाता है कहीं घूमने के लिए? नहीं जा पाते। मैं कल कई साथियों से राजधनवार क्षेत्र में मिला था तो हमें पता चला कि वो उसके पास फुर्सत नहीं है घूमने के लिए, ना तो वो अभी तक गोवा गया है। मैंने पूछा कहां से कहां तक गए, तो सिर्फ एक ही चीज बताया, राजधनवार से गिरिडीह गया हूं, गिरिडीह से राजधनवार हूं। बोले बाहर क्यों नहीं जा पाते हैं? बोले बाहर जाएंगे तो उतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना, ध्यान रहेगा हमेशा दुकान के ऊपर।
कौन ग्राहक आया कौन ग्राहक जा रहा है बताओ। पैसा भले वो कमा रहे हैं लेकिन घूमने की आजादी उसके पास नहीं थी। पैसा भले कमा रहे हैं, भले एक दिन का वो 50,000 भी कमा लेते होंगे, लेकिन वो आजादी नहीं है। जिस आजादी के लिए जिस जिंदगी में आए, अपने बच्चों के पास समय देने का टाइम नहीं है, अपने बच्चों के साथ कहीं एंजॉय करने का समय नहीं है। और आज रूट प्योर के अंदर अगर आप डे वन बिजनेस कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव होकर के काम कर रहे हैं, तो घबराना मत साथियों। डायमंड तक इतने घूम जाओगे ना कि मुझे याद करना, सिर्फ सर बताए थे, डायमंड तक इतना घूम जाओगे ना, देश विदेश की इतनी यात्राएं कर लोगे ना कि आपके मोहल्ले वाले आपके समाज वाले अभी तक नहीं किया होगा। इतिहास बनने वाला है आपके क्षेत्र में लोग।